हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी गणित की वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, गणित में हम कर रहे थे अभ्यास 16.2। तो चलिए बच्चों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने के लिए पहले आप अपनी किताब निकाल लेंगे। आपने अपनी किताब निकाल ली है और अपनी बुक का देखिए अभ्यास 16.2 पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थान भरिए, ये हम कर चुके थे, मैंने आपको करवा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत क्लास की। तो इसमें दिया है निम्न कोणों के संपूर्ण कोण लिखिए। संपूर्ण कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला दिया है, ये कोण दिया है 70 डिग्री दिया हुआ है और आपको इसको संपूरक कोण ज्ञात करना है। आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देख लीजिए, इसको बताती हूँ आपको मैं। ये लिखा हुआ है 70 डिग्री, ए वाला सेकंड का 70। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का 180 डिग्री का संपूरक कोण। इजिकल टू 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 110, यानी कि 110 डिग्री हो गया 70 डिग्री का संपूरक कोण। इस प्रकार से बी वाला क्वेश्चन करेंगे, वो दिया है 65 डिग्री। तो 65 डिग्री का हम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 180 माइनस 65 कितना आया, 115 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से आपके देखिए जो कोण दिए हुए हैं, 35 दिया है, 90 दिया है, आपको इसको 180 में से माइनस करना है और आपका संपूरक कोण निकल आएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न कोणों के पूरक कोण लिखिए। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग या सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं पूरक कोण। तो इसे कैसे करेंगे आप, ये देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन का ए वाला है, ये दिया 60 डिग्री। तो उसके हम देखिए 60 डिग्री का पूरा कोण निकालेंगे हम। क्या करेंगे हम, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, आ गया 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका है 50 डिग्री, 50 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 4, निम्न कोण युग्मों में से पूरक व संपूरक कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि ये कोण आपका पूरा कोण है या फिर संपूरक कोण है। ठीक है, जिनका योग 90 होगा वो कोण कहलाएंगे पूरक कोण, और जिनका योग होगा 180 वो कहलाएंगे संपूरक कोण। जैसे कि 70 प्लस 20 कितना हो गया, 90 हो गया, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरक कोण। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरक कोण। इसी प्रकार से 180 और प्लस 120 कितना हो गया, 180 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया संपूरक कोण, ये संपूरक कोण हो गया। इसी प्रकार से ये 63 और 27 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री, तो कौन सा हो गया, पूरक कोण। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे जो भी क्वेश्चन डी ई एफ जो दिए हुए हैं, इसी प्रकार से आपको करने हैं। आप आराम से जोड़ कर लेंगे, 50 40 कितना हुआ, 90 हुआ, तो पूरा कोण हो गया, 90 कितना हुआ, 180 हुआ, तो संपूरक कोण हो गया। इस प्रकार से आप कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना काम कंप्लीट करके रखिए, जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपके ये काम चेक किया जाएगा, अपना काम पूरा करके रखिएगा। इससे पहले मैंने जो भी काम करवाया है वो भी आपका, जो मैंने भले ही चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक से करवाया था वो भी आप कर लीजिएगा। आपकी बुक में वो नहीं था, आपको मैंने पहले भी क्लास में बता दिया था कि वो आपको इंग्लिश मीडियम की बुक्स में से देख के करना है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।